हम यहाँ पे थे भट्ट हाउस में, अभी हैं हम फिर सोनप्रयाग में। अच्छे से यात्रा हो गई है। पीछे लाइन देखो, अगर आ रहे हो तो भाई रजिस्ट्रेशन करवा के आना ऑनलाइन, काफ़ी इजी रहेगा। अभी यहाँ से निकल रहे हैं हम, यहाँ से निकलने का प्लान है त्रियुगी नारायण, क्योंकि हर बार आया हूँ हर बार मिस हुआ है, इस बार वो कवर करते हैं तो यहाँ से निकलते हैं। ये फिर हम निकले हैं सोनप्रयाग से। लाइन तो आगे तक आ गई काफ़ी, तो खैर अच्छे से दर्शन हो गए, मौसम अच्छा रहा अपने साथ में। कल स्नोफॉल भी थी, बड़ा बड़ा खराब था थोड़ा सा, लेकिन अपना चेहरा तो बढ़िया है। अभी यहाँ से प्लान ये है कि अभी निकल रहे हैं यहाँ से त्रियुगी नारायण के लिए। यहाँ पिछले 3-4 साल से ट्रिप है ये, लेकिन अब तक, क्योंकि यहाँ से हार्डली 12 किलोमीटर्स है, 10 से 12 किलोमीटर्स, लेकिन कभी नहीं गया था। तो इस बार सोचा कि इस बार ये भी कवर कर लिया जाए। भैया ऐसा कुछ मौसम हो गया है त्रियुगी नारायण में, हल्की सी बारिश शुरू हो गई है। ओहो, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है ये, बट ठीक है। ये है मंदिर का गेट, अभी चलते हैं, पहले अंदर तो चल ही लेते हैं फिर देखते हैं। अभी तो तेज बारिश है नहीं, कितना तो चलता है। ये है फिर त्रियुगी नारायण मंदिर। यहाँ पे एक्चुअली हुई थी शादी शिवजी और पार्वती की, इसीलिए यहाँ पे इसकी अलग मान्यता है। और यहाँ पे एक ऐसी वो है, क्या बोलते हैं इसको, ज्योति है जो सतयुग से जलती हुई आ रही है, इसलिए यहाँ पे ये इसकी मान्यता है। अच्छे से दर्शन हो गए, अब निकलते हैं आगे क्योंकि हो रही है बारिश। ये था फिर हमारा त्रियुगी नारायण मंदिर, यहाँ से निकलते हैं। मौसम देखो आप, पूरा बारिश वाला हो गया है। आगे का आगे देखेंगे। तो सीन ये है, 12 बज चुके हैं, आज का प्लान ये है कि रुद्रप्रयाग तक तो जाएंगे, उसके आगे का देखो। निकलते हैं फिर यहाँ से और आपको बाइक पे मिलते हैं।